हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी संख्या को कैसे वैज्ञानिक पद्धति में लिखा जाए। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो चलो यहां पर हम इसको देखते हैं। यहां पर हमने क्या किया है कि यहां पर पांच तरह के क्वेश्चन ले लिए हैं। अब अगर आप इस पांचों तरह के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप किसी भी संख्या को वैज्ञानिक पद्धति में लिख पाएंगे। यहां पर पांच तरीके हमने बताए हैं। ध्यान दीजिए, हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 0.0005432 5432। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें इस दशमलव को क्या करना है, किसी ऐसे संख्या के पास ले जाना है जो गिना जा सके, जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्या के। तो यहां पर देखो, जीरो के बाद में हमें क्या ले जाना है, पांच। यहां पर देखो पांच संख्या मिल रही, तो इस पांच के बाद में हमें ले जाना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जब हम लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5.432, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में अब यहां पर हम गुणे लगाएंगे और उसके बाद में लिखेंगे 10। और ध्यान दीजिए, अब यहां पर कितनी संख्या के बाद हम ले गए हैं, 1, 2, 3, 4, चार संख्या के बाद हमने दशमलव ले लिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। अब ध्यान दीजिए, अगर इस दशमलव को इस तरफ से इस तरफ ले जाते हैं तो आपको यहां पर लगाना होगा माइनस। यही आपका वैज्ञानिक पद्धति होगा इस अंक का। तो कि इस संख्या का वैज्ञानिक पद्धति से आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो ये आपका हो गया पहला तरीका। अब हम बात करेंगे इस दूसरे तरीके पर। दूसरे नंबर क्वेश्चन को यहां पर हम उतारते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7540.36, यही है। अब इस चीज को करने का क्या तरीका है, इसको देखिए। यहां पर क्या करना है कि इस दशमलव को हमें पहले अंक के पास लाना है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम इस 7 लिखेंगे, दशमलव ले आएंगे और 5, 4, 0, 3, 6 ये हमने लिख लिया और गुणे अब लगाएंगे। और ध्यान दीजिए, कितने अंक के बाद इधर लाए हैं, 1, 2, 3 अंक के बाद लाए हैं। तो यहां पर 10³ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब भी दशमलव को इस साइड में लेकर जाया जाएगा तो यहां पर चिन्ह प्लस का होगा। तो यहां पर आप प्लस लगाइए या ना लगाइए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये 10³ लिखा है तब भी यहां पर माना जाएगा कि यहां पर प्लस लगा है। तो आप यहां पर प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम यहां पर लिखते हैं, इसमें अलग तरीका लगेगा। यहां पर हम लिखेंगे 0.05333333, इस प्रकार से 3-3 करके है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ध्यान दो। यहां पर हम क्या करेंगे, इस दशमलव को कहां पर ले जाएंगे, इस पांच के पास ले जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे 5.। अब ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है 3-3-3-3-3-3 करके बहुत सारे 3 अगर आ जाए, तो यहां पर हर 3 को अब नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, बस यहां पर 1-3 को लिखेंगे और ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। अब इसका मतलब हो जाएगा कि यहां पर आगे इसके बहुत ज्यादा 3-3-3-3 है, ठीक है। और गुणे लगाएंगे आप और 10³ क्या हो जाएगा, कितने अंक के बाद लिखे हैं, दशमलव 1, 2। तो यहां पर हम 2 लिखेंगे और चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि दशमलव इस तरफ ले गए हैं, तो यहां पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यही आपका वैज्ञानिक अंक होगा इस अंक का। तो ये आपका हो गया 3 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। तो इसको हम यहां से मिटाते हैं और अब हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। यहां पर भी अलग तरीका लगेगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, यहां पर है 754.37632 इस प्रकार के क्वेश्चन है। इसको करने का क्या तरीका है, आपको क्या करना है, इस दशमलव को यहां पर लेकर आना है। तो इस दशमलव को यहां पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 7.543। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर इतनी सारी संख्याओं को हम लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे, जैसे देखो यहां पर 3 लिखा है ना, 3 के बाद में ये लिखा हुआ है 7, और 7 क्या है, 5 से बड़ा है। तो जब भी इस 3 अंक तक आप यहां पर पीछे लिख लीजिए दशमलव के, उसके बाद वाला संख्या अगर यहां पर 5 से बड़ा होता है तो यहां पर इस 3 को क्या कर लेंगे, हम 4 लिख देंगे। 3 को क्या लिख लेंगे, 4 लिख देंगे, बस बाकी इसको पीछे को छोड़ देंगे। अब यहां पर लिखेंगे गुणे 10³, कितने अंक के बाद दशमलव लाना है, यहां पर 1, 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 और इस तरफ लेकर गए हैं, तो प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार दोबारा से यहां पर समझ लीजिए, यहां पर क्या किए हैं हम, यहां पर देखो इतना सारा अंक यहां पर पीछे लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको 2 अंक सबसे पहले लिख लेना है दशमलव के बाद।
तीसरे अंक के बाद में देखना है कि कौन सा संख्या आता है, तो तीसरे अंक के बाद ये सात आता है, तो सात जो है वो पांच से बड़ा है, तो पांच से अगर बड़ा है तो यहां से हम संख्याओं को छोड़ देंगे और इसके आगे वाली संख्या में हम जैसे तीन लिखा है तो उसको चार कर लेंगे, चार लिखा होगा तो पांच कर लेंगे, तो यहां पर तीन लिखा था उसको हमने चार कर लिया, तो ये आपका है चौथा नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पर, यह क्या कहता है इसको देखते हैं। यहां पर लिखा है 0.00047557577, ऐसे लिखते चले गए हैं, तो इस चीज को करने का कैसे तरीका है इसको भी देखते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इस दशमलव को इस चार के बाद ले जाना है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4.75। अब एक चीज देखो, यहां पर लिखा है 7575 ऐसे लिखता चला गया, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसके दोनों के ऊपर बार लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, चूंकि देखो यहां पर दो संख्या हमारा क्या हो गया, देखो 7-5 हो गया दो संख्या। अब देखो तीसरी संख्या जो है ये क्या है, ये तीसरी संख्या जो पांच से ज्यादा है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस पांच को क्या लिख सकते हैं, छह कर सकते हैं, बाकी पीछे की संख्या को छोड़ सकते हैं, या हम इस प्रकार से कर लेंगे या ऊपर बार लगा देंगे और गुणे लगाएंगे 10 के घात। देखो कितने अंक ले गए हैं, 1, 2, 3, 4, चार अंक ले गए हैं, चार लिखेंगे और चिन्ह कौन सा लगेगा, इस तरफ लेकर गए हैं तो माइनस लगेगा, यही आपका होगा इस संख्या का वैज्ञानिक पद्धति में मान। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वैज्ञानिक पद्धति में मान लिख सकते हैं। आई होप कि ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता है। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।